आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जो मार्केट में बनने वाली सबसे ज्यादा पैटर्न में से एक पैटर्न है। ये पैटर्न आपको अप ट्रेंड में देखने के लिए मिल सकते हैं। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तब भी आपको ये पैटर्न देखने के लिए मिल सकते हैं। मान लीजिए मार्केट किसी लेवल से आ रहा है और मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पे हाई लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे हायर लो लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे हायर लो लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई लगाया, और मार्केट जो कि एक ऐसे लेवल पे जाके पहुंचा जहां पे बायर सेलर पूरा पूरी यहां पे साइलेंट हो गया है और मार्केट में यहां पे बाइंग सेलिंग बहुत ही धीरी गति से जो कि हो रहा है। अगर हम यहां पे हायर लो को एक ट्रेल लाइन के साथ जोड़ देते हैं तो यहां पे एक डाउन ट्रेंड ट्रेल लाइन बच जाते हैं। अगर हम लोअर हाई को एक ट्रेल लाइन के साथ यहां पे जोड़ देते हैं तो यहां पे अप ट्रेंड एक ट्रेल लाइन बन जाते हैं और दोनों ट्रेल लाइन जो कि एक लेवल पे आके खत्म हो जाता है। इसी लेवल से मार्केट हो सकता है अपसाइड ब्रेक करके जो कि अप ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, या हो सकते हैं डाउन साइड ब्रेक करके मार्केट जो कि डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप लाइव मार्केट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई करके एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस वीडियो की कोई भी पार्ट आप मिस मत करिए, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो कि सीखने के लिए मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी का 1 मिनट चार्ट को हमने यहाँ पे ओपन किया है। आप किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक की अगर चार्ट को ओपन करेंगे या किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप जाएंगे तो आपको हर एक टाइम फ्रेम में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जो बैंक निफ्टी की 1 मिनट टाइम फ्रेम को लिया है तो यहाँ पे मार्केट सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम के साथ जो कि ऊपर आया है और यहाँ पे एक हाई बनाया था और फिर मार्केट यहाँ पे एक लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर मार्केट यहाँ पे एक लो बनाता है, फिर मार्केट एक हाई बनाता है, फिर मार्केट एक लो बनाता है और जो ऊपर से ट्रेल लाइन आ रहा था इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है और मार्केट जो कि बहुत ही तेजी से जो कि यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम किया है और मार्केट जो कि ऊपर चला गया है। तो दोस्तों इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न वो क्यों बनते हैं, सबसे पहले हम उस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियो में बताया कि मार्केट क्यों ऊपर जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे बाइंग करते हैं, 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 इस तरीके से बाइंग कर करके जो कि मार्केट इस लेवल पे आ गया है। तो यहाँ पे कुछ लोग होगा जो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो यहाँ पे जैसे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगा तो मार्केट अचानक से यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आएगा, और कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे सेल करने के लिए बैठे हुए। तो यहाँ पे जब भी मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर फिर से बाइंग करेगा, जैसे कि यहाँ पे आया है। तो जो बिगिनर ट्रेडर है जो यहाँ पे बाई किया है, एग्जिट नहीं किया है, तो वो लोग यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट में सिर्फ से बाइंग आता है और मार्केट जो कि एक ट्रेल लाइन पे जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे फिर से सेलिंग होता है, फिर यहाँ पे एक कॉन्फ्यूज माहौल यहाँ पे क्रिएट होता है, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, फिर उसी ट्रेल लाइन पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, जो नीचे से एक ट्रेल लाइन है यहाँ पे मार्केट जाके फिर से सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे फिर से नीचे आता है एंड उसी ट्रेल लाइन को सपोर्ट करके जो ऊपर वाला ट्रेल लाइन है इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक करते हैं। जैसे ही ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाई एंट्री लगाता है और जो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता है, और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्विक मोमेंटम होता है, अचानक से मार्केट जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम कर देता है। एज अ बिगिनर ट्रेडर, एक रिटेल ट्रेडर, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। जैसे ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो आप इस ब्रेकआउट पे अपना पोजीशन को बना सकते हैं एंड इसके नीचे जो कि स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। जो ये टारगेट है बहुत ही इजीली अचीव होता है क्योंकि ये बहुत ही क्विक मोमेंटम होता है। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ डाउन ट्रेंड में किस तरीके से होता है। सो हमने यहाँ पे निफ्टी 50 की 5 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन किया है और मार्केट जो कि यहाँ पे सबसे पहले एक हाई बनाता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक लो बनाता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके जो कि एक हायर लो बना देते हैं, यानी जो पहले हाई था उसके नीचे जो कि हायर लो होना चाहिए इसका ऊपर अगर मार्केट जाता है तो जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है वो सही से नहीं बनते हैं। यहाँ पे फिर मार्केट जो कि धीरे धीरे ट्रेड करता है और मार्केट जो कि यहाँ पे एक डाउनफॉल करता है और जो पहले वाला लो था उसका ऊपर जो कि लोअर हाई एक बनाता है और मार्केट जो कि यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा तो मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, यानी ट्रेडर यहाँ पे
धीरे धीरे ट्रेड करेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे अपना पोजीशन को बनाएगा या मार्केट जिस डायरेक्शन पे है उस डायरेक्शन पे अपना पोजीशन बनाएगा और मार्केट को उस डायरेक्शन पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट फिर बिहेवियर किया। जैसे कि यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट गया है, जो ट्रेड लाइन को मार्केट यहाँ पे सपोर्ट करके आ रहा था उस ट्रेड लाइन को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है। तो यहाँ पे एक बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे जो कि अपना पोजीशन को बना सकते हैं, एक रिटेल ट्रेडर जो कि यहाँ पे पोजीशन को बना सकते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है यहाँ पे अपना पोजीशन को वो लोग बनाया है, ठीक है ना। सभी लोग जो कि यहाँ पे अपना पोजीशन को बनाया है जो प्रोफेशनल ट्रेडर है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर कौन है मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है, जो हिस्पांड है, इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, तो वो लोग पोजीशन बनाया है। और मार्केट जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो कि यहाँ पे फर्स्ट मूवमेंट होगा यानी क्विक मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेड लाइन ब्रेक होगा, अपसाइड ब्रेक होता तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, अगर डाउनसाइड ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं यानी सेल कर सकते हैं, और जो कि इसका ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ट्रेड लाइन को ब्रेक किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फॉल हुआ है यानी क्विक मोमेंटम हुआ है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने के लिए मिला। अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिला तो वीडियो को डिसलाइक करके आप जा सकते हैं।